नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरन और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। वर्षों पुराने खंडूबाई माता मंदिर में नवमी के शुभ अवसर पर नवी मुंबई आवास के डायरेक्टर संजीव गुप्ता व उनके परिवार ने मिलकर यज्ञ किया और माता की नई मूर्ति की स्थापना की। गुप्ता परिवार पिछले 22 सालों से श्रद्धा भावना से माता की पूजा करते चले आ रहे हैं और साथ ही धार्मिक व जरूरतमंदों की मदद व सेवा भी करते हैं। इसी विषय को लेकर खंडूबाई माता मंदिर के पुजारी दीनानाथ तिवारी ने अधिक जानकारी दी। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में अश्विनी मास शुक्ल पक्ष से यह 9 दिन के लिए प्रारंभ होता है और नवमी अष्टमी नवमी दशमी को माता जी की हवन होती है और सायंकाल में माँ का विसर्जन किया जाता है। जो आज से नहीं है, प्राचीन समय से माँ की पूजा अर्चना होती आ रही है। मंदिर के विषय में अपने हिंदुओं को जागृत यह जो व्रत पूजा उपास चलता है, इसकी यज्ञ हवन किया जाता है, यह विशेष इसका फलदायिनी होता है। या जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ हमको मानसून बनता है, मानसून से बारिश होती है और जब बारिश होती है तो सारी अन्न की उपजियाँ जो होती है वो हमको यहीं से मिलता है, माँ की ही कृपा से। जो कुछ भी मिला वो माँ की ही कृपा से मिलता है। और कुछ भक्तों ने नवी मुंबई आवास से अपनी भावनाएं व्यक्त की। हमारी तरफ से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पावन माहौल है, बहुत अच्छे से पूजा करा। 9 दिन के हमने उपवास के बाद आज बहुत बढ़िया पूजा करी यहाँ आपके सामने और माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करा। बहुत ही पावन एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा लगा। अगले साल फिर आएंगे और आप सबको एक बार फिर से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी। नमस्ते नमस्ते और हैप्पी दशहरा। मैं सब आपके सारे के सारे परिवार को कहना चाहता हूँ और मेरी यही मनोकामना है कि सब लोग अच्छे रहे, कोई बीमार ना रहे, सब अच्छा रहे। जय माता। नवी मुंबई आवाज, वीडियो जर्नलिस्ट समीर खान की रिपोर्ट।